Hey guys, and welcome back to my channel. So today I'm going to explain episode 2 of Mermaid Human Love Story. But before I start the explanation, make sure you guys subscribe to my channel, like the video and share with your friends. And now let's start the explanation. 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어 I'm going एपिसोड 2 की शुरुआत में हम टीएन को उसकी न्यू हाई स्कूल में देखते हैं जहां वो थोड़ी देर बाद स्कूल डॉक्टर के पास जाती है। वेल, यहां पे हमें पता चलता है कि स्कूल डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि टीएन के अंकल हैं जो कि उसे एक गिफ्ट देते हैं जिसे देखकर टीएन काफ़ी हैप्पी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम क्लास में दो बच्चों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम मुशीशी है तो दूसरे का नाम शाओइंग एंड ये दोनों एक दूसरे के चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बट अभी तो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स कम बल्कि एक दूसरे के दुश्मन ज़्यादा लग रहे थे बिकॉज ये दोनों एक लैपटॉप के लिए एक दूसरे से टॉम एंड जेरी की तरह फाइट कर रहे थे जिस वजह से शीशी नीचे गिर जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे टीएन भी आ जाती है बट वो तो शीशी को बचाने के बजाय उल्टा खुद ही साइड हो जाती है। वो दोनों मिलकर जब शीशी को उठाने की कोशिश करते हैं तो शीशी नहीं उठती जिसे देखकर शाओइंग एक्टिंग करते हुए शीशी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगता है बट जब वो फिर भी नहीं उठती तो एट लास्ट शाओइंग पानी पीकर उसी पानी को शीशी के माउथ में देने की कोशिश करता है बट इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता शीशी उठकर बैठ जाती है एंड शाओइंग पर ये सब करने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। वेल, वो तो टीएन को भी काफ़ी कुछ सुनाने वाली थी बट वो टीएन की ब्यूटी को देखकर ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि अभी उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे टीएन एक लड़की नहीं बल्कि लड़का है। वेल, इस बात को पीछे से शाओइंग भी नोटिस कर लेता है एंड काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है क्योंकि वो हमारी शीशी को पसंद करता है। टीएन जब उन दोनों को खुद से इंट्रोड्यूस कराती है तो यहाँ पे शाओइंग को पता चलता है कि ये तो उसके बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। वेल, वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे टीचर भी आ जाती हैं जिस वजह से उन सभी को अपनी अपनी सीट में जाना पड़ता है। एंड गाइज, गेस व्हाट, तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे हमारे मेन लीड हेंग्यू की एंट्री होती है जिसे देखकर टीएन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड हेंग्यू से छिपने की कोशिश करती है बट तभी उसे याद आता है कि ग्रैंडमा ने तो उसकी सभी मेमोरीज को इरेज कर दिया था जिस वजह से हेंग्यू को अभी कुछ भी याद नहीं होगा। वेल, क्लास ओवर होने के बाद हेंग्यू एंड टीएन आपस में टकरा जाते हैं बट इससे पहले कि वो दोनों कुछ बोल पाते तभी शाओइंग उन्हें एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है जिसके बाद वो सभी लंच करने के लिए स्कूल कैंटीन जाते हैं जहां शीशी एंड शाओइंग एक दूसरे से फाइट करते हुए लंच लेने चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद टीएन हेंग्यू को देखते हुए खुद से कहती है कि यार, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, कहीं मैं इसके लिए फिर से लड़की ना बन जाऊँ। वहीं हेंग्यू भी टीएन की ऐसी हरकतों को देखते हुए खुद से कह रहा होता है कि आखिर ये लड़का मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, आई मीन कहीं ये कोई गे वे तो नहीं। टीएन जब हेंग्यू से बातें करने की कोशिश करती है तभी वहाँ पे एक लड़का आकर उसके बगल में बैठने की कोशिश करता है बट हेंग्यू उसे अपने बगल में बैठने से मना कर देता है क्योंकि वो होमोसेक्सुअल गे था। तभी टीएन नोटिस करती है कि उन दोनों ने बिल्कुल एक ही कलर के कपड़े पहन रखे हैं जिसे देखने के बाद बेचारी हमारी टीएन वॉज लाइक गजब बेइज्जती है। वेल, ये सब देखकर हेंग्यू टीएन से दूर चला जाता है जिस पर टीएन कहती है कि अरे ये क्या सोच रहे हो तुम, मैं कोई गेवे नहीं बल्कि मैं तो असली मर्द हूँ।
देन नेक्स्ट सीन में यहाँ पे एंट्री होती है हमारे इस ड्रामा के सेकेंड फीमेल लीड की, जिसका नाम है सॉन्ग हुई। वेल, सॉन्ग हुई आते ही हेंग्यू से चिपकना एंड उससे बातें करना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद वो सभी साथ में काफ़ी ज़्यादा मस्ती एंड इंजॉय करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है हमारे इस ड्रामा के सेकेंड मेल लीड से, जिसका नाम है हाओ हान। हाओ हान जब स्कूल के अंदर इंटर करता है तो स्कूल के सभी बच्चे उससे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का गलती से उसके सूँ पे पैर रख देता है, बट वो तो हान हाओ से माफ़ी मांगने के बजाय उल्टा उसी पे गुस्सा करने लगता है। वेल, ये सब देखने के बाद भी एक बार हाओ हान उसे इग्नोर कर देता है, बट वो बंदा फिर भी चुप नहीं होता। वेल, काफ़ी देर तक उसका प्रवचन सुनने के बाद एट लास्ट हाओ हान क्या करता है ये तो आप खुद ही देख लो। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसी वजह से स्कूल के सभी बच्चे हाओ हान से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टियान को देखते हैं जो कि अपना नया रूम देखकर काफ़ी हैप्पी होती है एंड आफ्टर दैट पूरे घर में चारों तरफ घूम घूम कर काफ़ी इंजॉय करती है, बिकॉज टियान को ये घर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे हेंग्यू भी शाओइंग के साथ आता है। वेल, घर की ऐसी हालत देखकर हेंग्यू को पता चल जाता है कि पक्का घर में कोई ना कोई ज़रूर है। वहीं दूसरी तरफ टीएन एक अंडरवेयर को देखते हुए कह रही होती है कि ये तो मेरी नहीं है, फिर ये है किसकी। तभी वहाँ पे वो दोनों भी आ जाते हैं, जिसके बाद तो उन तीनों का रिएक्शन देखने लायक था। टीएन कहती है कि हे भगवान, आखिर ये दिन दिखाने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया। वेल, यहाँ पे टियान काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है, क्योंकि अभी उसके हाथ में हेंग्यू की अंडरवियर थी, थी नहीं है। टियान कहती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पर हेंग्यू कहता है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि आखिर तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। जिसे सुनकर पहले तो टियान वहाँ से जाने लगती है, बट देन कहती है कि रुको जरा, सबर करो, तुम्हारा घर, ये घर तुम्हारा कब हो गया, बिकॉज ये तो मेरा घर है। जिस पर हेंग्यू टियान को एक फॉर्म दिखाते हुए कहता है कि ध्यान से देखो इसे, मैं इस घर में पूरे एक साल से रह रहा हूँ। एंड फाइनली यहाँ पे हमें पता चलता है कि घर के मालिक ने उन दोनों से पैसे लेकर उन दोनों को एक ही रूम दे दिया। वेल, आफ्टर दैट वो दोनों एक दूसरे को घर से भगाने की कोशिश करते हैं, बट उन दोनों में से कोई भी घर छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता। वेल, काफ़ी देर तक उन दोनों की फाइट देखने के बाद एट लास्ट शाओइंग उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि क्यों ना तुम दोनों के बीच में एक कंपटीशन हो जाए, और जो भी इस कंपटीशन में जीतेगा वो इस घर में रहेगा एंड जो हारेगा वो इस घर से बाहर निकल जाएगा। जिसे सुनकर टियान काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।